वेलकम माई चैनल गाइस। तो आज आप लोगों को दिखेंगे ये मॉडल है। देखिए पहले मैं बैक पैनल इसको खोल कर रखा था, ओप्पो A83। तो इसको डिस्प्ले चेंज करेंगे, ठीक है। तो देखिए डिस्प्ले बिल्कुल तो इसको टूटा हुआ है, तो इसको कंप्लीट कौन सा डिस्प्ले में लगा रहो, देखिए इसमें ये डिस्प्ले का प्राइस भी क्या आएगा आप लोगों को दिखाएंगे। तो चले गाइस इसको देखिए, मैं इसको ओरिजिनल पैकेट इसको पैकेट में आया है, लेकिन ये ओरिजिनल नहीं है, लेकिन बिल्कुल ओरिजिनल का कम नहीं है। क्वालिटी इतना अच्छा है ना इस कंपनी का है, बिल्कुल अच्छा फिटिंग है, बिल्कुल माने मतलब क्या बोलूँ, उसका ब्रांडनेस पर सब कुछ इतना अच्छा है ना। अरे ओप्पो 83 मॉडल है, तो आप लोगों को लगा के कंप्लीट आप लोगों को दिखाएंगे गाइज। इसका प्राइस भी कह रहे हैं डिस्प्ले का, तो वो भी आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। तो गाइज इसको कंप्लीट में अभी सेट करेंगे, उसके बाद फिर आप लोगों को दिखाएंगे ऑन करके। तो गाइज लास्ट तक मेरा वीडियो देखिए, अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। तो गाइज यहाँ पे पीछे में देखिए ये टेप लगा हुआ रहता है एक, तो ये बिल्कुल यहाँ पे ग्राउंड टच होना चाहिए। तो ये टेप खुलने का बहुत जरूरी इंपॉर्टेंट है, कोई भी डिस्प्ले आप लोग फिटिंग करने का पहले ये आप लोग देखिएगा, वो जो फ्लेक्स है फ्लेक्स का पीछे जो टेप लगा हुआ रहता है ये यहाँ पे देखिए ग्राउंड टच होता है डिस्प्ले का पीछे जो यहाँ पे ये एक तो ग्राउंड टच, ये दोनों में टच होना चाहिए। तो उसके बाद फिर डिस्प्ले टच का प्रॉब्लम नहीं आएगा, मतलब टच अच्छा काम करता है। अगर वो नहीं खुलेगा तो टच का थोड़ा दिक्कत आता है, कुछ दिन बाद टच उल्टा सीधा काम करता है, तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो ओप्पो 83 मॉडल है, तो ये नाइस कंपनी के, तो बिल्कुल इसको मैं सेटिंग करके आप लोग अभी दिखाएंगे गाइस। तो अभी लास्ट तक मेरा वीडियो देखिए गाइस, ठीक है। तो इसको पहले मैं इसको बैटरी को ओपन करना होगा, तो बैटरी इसको आराम से देखिए, बैटरी को ओपन करने के बाद फिर इसको टूटा हुआ जो डिस्प्ले है उसको खोलेंगे, ठीक है। तो इसको आराम से हमें खोल के स्टेप बाय स्टेप आप लोगों को दिखाएंगे। तो देखिए इसको पहले बैटरी ऐसे इसको खींचने के बाद फिर आराम से उठ जाएगा बैटरी, बिल्कुल यहाँ पे बैटरी कोई दिक्कत नहीं है, आराम से इसको खुल जाएगा बैटरी। तो अभी इसको डिस्प्ले का जो पत्ता है देखिए वहाँ पे टेप लगा हुआ है, ये मोबाइल पहली बार इसको ओपन हो रहा है, मतलब इतना दिन मॉडल पुराना भी है लेकिन फिर भी इतना क्वालिटी अच्छे। और डिस्प्ले ये जो मैं नाइस कंपनी का लगा रहा हूँ ना, ये बिल्कुल सेटिंग हो जाता है, कितना अच्छा सेटिंग है, ओरिजिनल जैसा पूरा बिल्कुल सेट हो जाएगा, कोई भी ऊँचा नहीं रहेगा, बिल्कुल अच्छे तरीके का सेटिंग है, क्वालिटी भी बहुत अच्छे है। तो चले गए जिसको आप लोगों को स्टेप बाई स्टेप दिखाता हूँ कैसे इसको काम कर रहा है, तो इसको मतलब डिस्प्ले भी कैसे सेटिंग करना चाहिए या डिस्प्ले क्वालिटी कैसे आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे टूटा हुआ जो LCD आराम से इसको मैं ओपन कर लेता हूँ, बिल्कुल यहाँ पे ये संभल के खोलना होगा, इसका ग्लास टूटा हुआ ग्लास हाथ में घुसने का चांस ज़्यादा रहते हैं। तो आराम से इसको टूटा हुआ LCD को मैं आराम से खोल लेता हूँ, उसके बाद फिर साइड में आराम से इसको क्लीन करेंगे, फिर उसको ग्लू लगा के नया वाला LCD को सेट करेंगे। काम उतना हार्ड वर्क मतलब उतना टाइम नहीं लगेगा इसको डिस्प्ले का सेटिंग करने के लिए, ठीक है। उतना हार्ड काम भी उतना हार्ड नहीं है, बिल्कुल आसानी से काम इसको करना होगा और उसको डिस्प्ले बिल्कुल आराम से सेटिंग भी हो जाएगा, ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा। तो ये डिस्प्ले का जो प्राइस का बारे था, मैं जिसको जो डिस्प्ले है नाइस कंपनी का मैं लगा रहा हूँ, तो ये डिस्प्ले का प्राइस आ रहे है कस्टमर के लिए रेट बोल रहा हूँ, इसका 2300 का 2400 का प्राइस है इसका डिस्प्ले का, अच्छा क्वालिटी सच में, इसका क्वालिटी अच्छा है। इसका कम दाम भी एक तो मार्केट में मेरे को मिला था लेकिन मैं वो नहीं लिया है यार। आप लोगों में मेरा चैनल पे जितना भी वीडियो देखते हैं उसका क्वालिटी हमेशा अलग ही रहता है, बिल्कुल मैं उसका डिस्प्ले का क्वालिटी अलग ही रखता हूँ इसको, क्योंकि डिस्प्ले हमेशा थोड़ा सा पैसा ज़्यादा जाए लेकिन कस्टमर को अच्छा मिलना चाहिए। तो इसको आराम से अभी साइड में ग्लू लगा के बिल्कुल डिस्प्ले सेट हो जाएगा, देखिए मैं आराम से इसको साइड में ग्लू लगा लेता हूँ, हल्का सा ग्लू लगाना होगा, बिल्कुल ज़्यादा भी नहीं दीजिएगा, आराम से इसको थोड़ा सा ग्लू लगा के डिस्प्ले बिल्कुल सेट हो जाएगा, कहीं भी ऊंचा भी नहीं रहेगा, बिल्कुल आराम से इसको लग जाएगा। देखिए बिल्कुल कितना आसानी से इसको सेटिंग कर रहा हूँ, बिल्कुल इतना अच्छा सेटिंग है डिस्प्ले का ना, आप लोग सच में एक नाइस कंपनी का माल है लेकिन क्वालिटी इतना अच्छा क्वालिटी का है। तो चले गए जिसको आराम से मैं अभी इसको डिस्प्ले का तो सेटिंग हो चुके हैं बिल्कुल सेट करके, देखिए साइड में कोई ऊंचा भी नहीं रहे, बिल्कुल अच्छे तरीके से इसको सेट हो जाता है। तो अभी आराम से मैं इसको बिल्कुल बैटरी लगाएंगे जैसे जैसे उसको ओपन किया था उसको सेटिंग करके आप लोग ऑन करके गाइस दिखा दो क्वालिटी कौन सा मतलब कैसे आ रहा है, ठीक है। तो इसको टास्क भी कैसे काम कर रहा है बिल्कुल उसको आप लोगों को डिटेल्स में दिखाएंगे। तो चले गाइस इसको लास्ट तक मेरा वीडियो देखिए गाइस। तो ये देखिए बिल्कुल तो डिस्प्ले सेटिंग हो चुका है, अभी मैं इसको बैटरी को बिल्कुल यहाँ पे सेट करेंगे, बैटरी बिल्कुल सेट हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद फिर जो डिस्प्ले का पत्ता लगा है बैटरी कनेक्टर ये ऊपर में एक तो लॉक रहता है, मतलब टीना का एक तो लॉक लगा रहता है, दो स्क्रू लगा के वो लगा के बिल्कुल बैक पैनल लगा देंगे। तो ये मॉडल है ओप्पो 83, बिल्कुल डिस्प्ले तो चेंज किया है, इसको डिस्प्ले फाइनल इसको सेट भी हो चुका है, अभी इसको ऑन करके सिर्फ दिखाना बाकी है कैसे इसको क्वालिटी आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए बिल्कुल यहाँ पे ऊपर में दो लॉक था, इसको दोनों स्क्रू लगाना होगा, आराम से इसको लॉक को स्क्रू लगा देता हूँ, उसके बाद फिर आराम से डिस्प्ले को यहाँ पे सेट कर सेट हो गया, अभी इसको बैक पैनल को लगा देता हूँ, बैक पैनल आराम से यहाँ पे देखिए लग जाएगा, बैक पैनल बिल्कुल सेट हो जाएगा, उसके बाद फिर ऑन करके आप लोगों को दिखाता हूँ गाइस। तो गाइस आप लोग अगर कोई जानना भी है कुछ डाउट भी आप लोग को, अगर कोई दूसरा कोई मॉडल डिस्प्ले खराब है या क्या प्राइस आएगा कुछ जानना चाहते हैं मोबाइल के बारे में रिपेयरिंग, तो बिल्कुल मेरे को कमेंट करके आप लोग पूछ सकते हैं, बिल्कुल आप लोग को हेल्प करूँगा, ठीक है। जितने भी हो जाएगा मैं आप लोग को कमेंट करके उसको रिप्लाई करेंगे। तो गाइस अभी देखिए इसको ऑन करता हूँ, ऑन स्विच का क्या हो रहा है, ऑन यहाँ पे चलिए इसको चार्जर लगाता हूँ, हाँ यहाँ पे चार्जर, हाँ चार्जर लगा दिया मोबाइल, तो ये यहाँ पे चार्जर लगा, हाँ मोबाइल बिल्कुल चालू हो गया। इसको देखिए यहाँ पे ये स्विच का थोड़ा सा प्रॉब्लम कर रहा था,
तो यहाँ पे तो ब्राइटनेस लो है, यहाँ पे लॉक स्क्रीन पासवर्ड है नीचे से, इसको ब्राइटनेस ब्राइटनेस कम करें। तो देखिए गाइस यहाँ पे ब्राइटनेस लो हुआ था इसमें, लेकिन ये मोबाइल में अभी लॉक है। पासवर्ड तो कस्टमर मेरे को नहीं बोला है, इसको पासवर्ड तो नहीं मालूम है, लेकिन बिल्कुल मोबाइल तो लॉक है। मोबाइल तो बिल्कुल ऑन हो चुका है, बिल्कुल यहाँ पर मोबाइल चालू है। तो देखिए यहाँ पे ब्राइटनेस इतना अच्छा क्वालिटी, देखिए इतना टास्क भी बिल्कुल अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं, लेकिन मोबाइल हम यहाँ पे तो लॉक है, मोबाइल को पूरा लॉक ओपन नहीं कर पाए क्योंकि उसका पासवर्ड लगा हुआ है। तो बिल्कुल तो डिस्प्ले सेट हो चुके हैं, बिल्कुल ऑन भी हो चुके हैं। देखिए यहाँ पे क्वालिटी भी देखिए आप लोग, पिक्चर ऊपर में जो लगा हुआ और भी नहीं दिखा पा रहे क्वालिटी, साथ में क्वालिटी इतना अच्छा क्वालिटी है ना, आप लोग मान लीजिए इतना क्वालिटी अच्छा है ना इस कंपनी का, बिल्कुल सेटिंग है। अभी लॉक है इसलिए, नहीं तो मैं अंदर उसको आप लोगों को और भी दिखा था इसको ऑप्शन के जाकर कितना अच्छे तरीके से। तो गाइस चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो तब तक के लिए शुक्रिया, जय हिंद, वंदे मातरम।